हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था है और मैं फिलहाल समझदारी और साधारणता से सीधे आपकी ओर चली आ रही हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज क्राइसिस में नहीं बल्कि उसकी रियलिटी में हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा बुरा सपना देखा है जो हकीकत में बदल गया हो? जी हाँ, क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो बिल्कुल वैसे डरावने सपने की तरह है जो हकीकत में बदल चुका है। क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे चारों ओर फैल चुका है। जैसे कि आप सब तो देख ही रहे होंगे, जगह जगह पर फ्लड्स आ रहे हैं। चाइना से लेके यूनाइटेड स्टेट्स तक बिन मौसम बारिश हो रही है। दिल्ली में तो आजकल बिन मौसम बहुत बारिश हो रही है, आपको तो पता ही होगा। उसके अलावा फ्लड्स बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन जो है ना, मुझे लग रहा है कि मेजर प्रॉब्लम है। इसीलिए पता है, मैंने तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया है। मैं सुबह सुबह पार्क में आई हूँ। जैसे कि आपने लेक तो देखा ही होगा, उसके साथ साथ ये गार्डन देखिए, ये ग्रीनरी देखिए, कितनी खूबसूरत है ये। मुझे लगता है अगर आपको क्लाइमेट चेंज से बचना हो, मैं आपको ऐसे परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं दे सकती हूँ, बट टेम्प्ररी ये सोल्यूशन दे सकती हूँ कि आप पार्क में जाइए। ग्रीनरी इतनी अच्छी है, मुझे लगता है एक्सप्लोर कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, फ्रेश एयर भी मिलेगी। और पता है सबसे बड़ी टिप क्या है? इधर आइए, मैं आपको ध्यान से बताती हूँ। ये टिप है कि ये आपको पॉल्यूशन से थोड़े समय के लिए ही दूर जरूर रखेगा। इसीलिए आपको भी अगर मेरी तरह फ्रेश एयर चाहिए तो पार्क में आए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम आस्था, हम आज क्लाइमेट चेंज की रियलिटी में रह रहे हैं और इसके लिए प्रिपेयर रहना भी ज़रूरी है। पर क्या तुम यही करने वाली हो, बैठ के डिजास्टर का इंतज़ार? मुझे लगता है हमारे पास मौका है और हमें पता है कि ये क्यों हो रहा है, तो हमें इसके अगेंस्ट ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम बैठे रहेंगे तो जो मौका हमारे पास है वो भी चला जाएगा। भले ही एक छोटा सा मौका है, बट हमें अपनी पूरी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए एंड हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो आज के मैप ऑफ दिल्ली शो में हमारा टॉपिक है कि हम डिज़ास्टर से और क्लाइमेट चेंज से कैसे बच सकते हैं। तो हमारे शो में आखिरी तक बने रहिएगा ये जानने के लिए कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैप ऑफ मी दिल्ली द मॉर्निंग शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आस्था और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैप ऑफ मी एग्जैक्टली है क्या। मैप ऑफ मी एक डिजिटल यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये यंग लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आपको खुद का जॉब करना हो या फिर शुरू करना हो बिजनेस, तो मुझे लगता है इससे राइट प्लेटफॉर्म ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैप ऑफ मी में आपको बहुत सारी न्यू स्किल्स भी सीखने मिलते हैं। और हाँ, साथ ही साथ हमारा 26 स्टेप चैलेंज लेना मत भूलिएगा, एक कदम बढ़ा लो अपने करियर की ओर। जी हाँ, 26 स्टेप चैलेंज में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, पर मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है और मुझे लगता है आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उसके साथ साथ हम आपको मिलाएंगे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से, ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें लाइफ में। बट अगर आपको हमारा कोई भी एंटरप्रेन्योर इतना अच्छा लगा हो कि आपको उससे बात करने का मन करे, तो प्लीज़ हमें लिखिए, क्योंकि हम देखेंगे कि हम आपको उस एंटरप्रेन्योर से कैसे बात करा सकते हैं। ऑल राइट, तो तुमने क्लाइमेट चेंज की बात तो शुरू कर ही दी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक्चुअली है क्या, इसका मतलब क्या है? चलो पता लगाते हैं, चले। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज जब मैं बात करती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है?
सडनली वेदर चेंज होना जैसे कल हुआ, काफी ठंड गर्मी ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग। आपको क्या लगता है, क्या हम क्लाइमेट चेंज पे कुछ वर्क कर रहे हैं आज के टाइम पे? देखिए, जो यंग जनरेशन है वो सीरियसली फील करती है कि हाँ क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जैसे कि बिन मौसम बरसात हो रही है, ठंडी बहुत लेट पड़ रही है। जब बारिश होनी होती है तब तो होती नहीं है, नवम्बर के टाइम पे बारिश हो रही है, जब गर्मी पड़नी होती है तब तो ज्यादा ही गर्मी पड़ती है। समझ में नहीं आता, कभी भी कुछ भी सीजन चेंज होते रहते हैं। क्या लगता है क्लाइमेट चेंज में हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, शहर वाले, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों वाले? हम लोग तो पूरे रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास इतनी व्हीकल्स हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, होनी नहीं चाहिए, हमें यूजुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। ये जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम प्राइमरी लेवल पे कैसे रोक सकते हैं, कोई आइडिया दे दीजिए। कार पूलिंग कर सकते हैं, मेट्रो सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना हम यूज़ करना चाहें उतना कर सकते हैं, मतलब रादर देन पिकिंग अप योर ओन कार फॉर एवरी लिटिल वर्क। ऑब्वियसली ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। पोल्यूशन इज द मेन रीजन। एसीज वगैरह से इन्वायरमेंटल बहुत होते हैं, जहाँ एक घर होता है वहाँ पे छः इट्स नॉट वर्थ इट, यू नो, नॉट वर्थ। हाँ, तो इन सब चीज़ों की वजह से होता है क्लाइमेट चेंज। वी शुड यूज पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथिन्स एंड प्लास्टिक बैग्स। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ, और जैसे अगर मेरी फैमिली में चार लोग हैं तो चार अलग अलग गाड़ियाँ नहीं है, सिर्फ एक ही गाड़ी जाती है। पॉल्यूशन है ज़्यादा दिल्ली में। जो छोटी छोटी चीज़ें मैं कर सकती हूँ वो तो मैं करती हूँ, जैसे कचरा नहीं फैलाना है, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, ठीक है ना, पॉलीथिन बैग्स नहीं यूज़ करने हैं, अगर कोई देता है तो मना कर दो कि हमको नहीं चाहिए, इट्स ओके, कीप इट विद यू। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं न्यू बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के बारे में आजकल एक रिसर्च आई है कि अगर दिल्ली में आप स्मोकर नहीं भी हैं तब भी आप डेली की 4-5 सिगरेट पी रही हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। पटाखे बैन होते हैं हर साल, तो क्या दिल्ली वाले सच में से फॉलो करते हैं? नहीं, वो टाइमिंग्स पे जलाते ही है। नहीं, यहाँ पे तब भी गफार मार्केट में आपको ब्लैक में मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड गिविंग योर टाइम। कौन सा सुपर हीरो है जो क्लाइमेट चेंज से आपको बचा सकता है, ये जानने के लिए ना आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, ताकि हम आपको सुपर हीरो के बारे में बता पाए। ओके फ्रेंड्स, तो आप क्या सोचते हैं? कई लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते नहीं हैं और उन्हें लगता है कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है। कुछ लोग तो इसको लेके कंसर्न हैं, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और ना ही उन्हें कुछ फर्क पड़ता है। विच लीड्स अस बैक टू द स्क्वायर वन कि आखिर क्लाइमेट चेंज क्या है। पता है, एक US बेस्ड नॉन प्रॉफिट क्लाइमेट साइंस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2050 तक बहुत सारे सी शोर्स डूब जाएंगे। अगर इंडिया की बात की जाए तो गुजरात के, महाराष्ट्र में मुंबई के, गोवा के, कैन यू इमेजिन, अब दिल्ली को ही ले लो, नवंबर में बारिश, दिसंबर में बारिश, गर्मियों में नो रेन, कुछ टाइम बाद हमें पता ही नहीं होगा कि अगले दिन या अगले महीने कौन सा सीजन आने वाला है। इट्स सो कंफ्यूजिंग। क्लाइमेट चेंज जो है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है हम। कौन? यानी हम ह्यूमन बीइंग। पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में कुछ चीजें गलती से ही सही बट थोड़ी सी अच्छी भी हो रही हैं, जैसे कि जहां जहां सी शोर्स पे समंदर आ रहा है वहां पे अपने आप ही मैनग्रूव्स उग रहे हैं। इसी तरीके से अगर दिल्ली की बात की जाए तो हम सब जानते हैं दिल्ली बहुत ही ग्रीन है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, पार्क्स के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसे कम करने के मौके नहीं हैं। ऐसे पार्क्स हमें खुली हवा में सांस लेने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन अगर दूसरे स्टेट्स में खेतों में परालियाँ जलती रहेंगी तो ये पेड़, ये पार्क भी आखिर कितना असर करेंगे? चेंज है क्या? What is climate change? Climate change मतलब वातावरण में जो changes हो रहे हैं जी, that is climate change. The changes that we observe in rainfall patterns, in temperatures, these are climate change. दिल्ली के कौन कौन से environmental threats है जो दिल्ली को face करने पड़ रहे हैं? अभी तो सबसे बड़ा है, that is air pollution. क्या क्या challenges हम आगे जाके face कर सकते हैं दिल्ली में? एयर पोल्यूशन के अलावा आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि एनवायरमेंटल थ्रेट है? देयर इज हेल स्टॉर्म व्हिच हैपेंस, बर्फ के ओले गिरते हैं, और अभी इस साल तो बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है, अनसीजनल रेनफॉल हैज हैपेंड। कौन कौन से इमीडिएट रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो हम
ला सकते हैं इसे बचाने के लिए? हमें पानी कम खर्चा करना है, काम कंजर्व करना है हमें पानी, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज कर सकते हैं। हमें एनर्जी कंजर्व करनी है, फालतू में हमें लाइट्स नहीं जला के रखनी चाहिए, जितना मिनिमम हमें उतना यूज करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। और जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे हमें सोलर एनर्जी, जैसे मतलब इट वुड बी डिफिकल्ट कि सबके पास सोलर पैनल लगाने की जगह है, बट एटलीस्ट स्मॉल स्मॉल थिंग जैसे सोलर टॉर्च को यूज कर सकते हैं, सोलर बैटरी को यूज कर सकते हैं इमरजेंसी लाइट की तरह। तो ये छोटे छोटे चेंज हमें करने चाहिए। जैसे अगर मैं घर से अगर मुझे ऑफिस जाना है तो अगर मैं पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले सकती हूँ तो दैट वुड बी बेटर। तो मेरा अगला सवाल ये है कि पेड़ों की क्या इम्पोर्टेंस है? ट्रीज आर लाइक रियली इम्पोर्टेंट, मतलब ये तो हमें बचपन से पढ़ाया जाता था। द फर्स्ट साइंस लेसन इज हमें पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, दैट इज व्हाट वी ब्रीथ, उनसे हमें खाना भी मिलता है, सो दे आर इम्पोर्टेंट इन दैट सेंस ऑल्सो। पेड़ों का तो अनडाउटेडली दे आर लाइक रियली इम्पोर्टेंट। And we used to talk about trees and roadside plantation etc. And now because of air pollution, हम indoor plants की बहुत important समझ रहे हैं। Delhi जैसे जो शहर होते हैं उसमें air pollution कम कैसे हो सकता है? ज़्यादा पेड़ लगाने से क्या ये possible है कि Delhi जैसे शहर में pollution कम हो जाए? डायरेक्ट इम्पैक्ट पोल्यूशन कम होने में तो नहीं होगा, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा पोल्यूशन हो कैसे रहा है। पोल्यूशन हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है यहाँ से हो रहा है, जो हम रास्ते में अगर कूड़ा जला देते हैं तो वहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो पेड़ लगाने से पोल्यूशन तो कम नहीं होगा, बट पेड़ लगाने से उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, बिकॉज आपको एक ताजी हवा मिल रही है। So thank you so much, आपने इतना information दिया हमें, thank you so much for your time। अब हम उन आदतों, कामों और actions के बारे में बात करने वाले हैं जिसके चलते consciously तो नहीं but subconsciously हम भी इस चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, चलिए हम जानते हैं reason जिसकी वजह से हम इस चीज़ में शामिल हो जाते हैं। ऐसा भी कोई तरीका है जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज रोकने में मदद कर सकते हैं? और सबसे पहला तरीका है व्हीकल पोल्यूशन। इससे केवल एयर पोल्यूशन ही नहीं बल्कि नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है। अब इसे कैसे रोका जाए? इसे सिर्फ एक ही चीज से रोक सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए ना बल्कि मुझे लगता है थोड़े महीनों के लिए या फिर इस साल हमें कार खरीदने की चाहत से, या फिर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि अगर हम चाहे तो थोड़ी सी पब्लिक व्हीकल जो है वो ज़्यादा यूज़ करें तो बेटर होगा और वो चाहत से हमें बचना चाहिए। अब दिल्ली जैसे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ऐसे में अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करें अपने व्हीकल्स को घर पर रख के, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जिससे कि पोल्यूशन भी कम होता है। ऑड एंड इवन की जो टेक्निक थी उसने असर भी काफ़ी दिखाया, पर 100% रिजल्ट तब भी नहीं मिला। शायद रीप्लानिंग और रीडिज़ाइन करके हमें एक बिल्डेबल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिल पाए। अब यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, थैंक गॉड इन पेड़ों ने मुझे बचा लिया। इससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्हीकल से निकला हुआ पोल्यूशन हवा को टॉक्सिक बना देता है, साथ ही साथ ये सब चीज़ें एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है और इसकी ही वजह से हमारा जो क्लाइमेट है ना वो थोड़ा इरेटिक बिहेव करने लगता है। अब मैं आपको ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बिन मौसम बरसात या तो फिर कह सकते हैं कि ओले जो गिरते हैं, ये सब चीज़ें क्यों होती है पता है? ये सब चीज़ें इसीलिए होती है बिकॉज ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो चीज़ अप्लाई होती है क्लाइमेट में, इसीलिए हम वेदर में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन दिनों पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं और इसे फॉरेन रोका जाए। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं
फाउंडर हूँ। सो इकोप्लोर बेसिकली सस्टेनेबल ट्रैवल प्रमोट करता है, इस तरीके का ट्रैवल जिसमें हमारे जो होटल्स हैं जिसमें जो गेस्ट रुकते हैं वो मिट्टी के या पत्थर के या लकड़ी के या बाम्बू के बने होते हैं, वो कंक्रीट, सीमेंट और ब्रिक के नहीं बनते हैं, और उनमें वो नेचर के बहुत करीब होते हैं। सो वाटरफॉल, माउंटेन, रिवर साइड, इन सब जगहों पे इनका लोकेशन होता है। वहाँ पे जो फूड मिलता है वो उसी जगह पे उगाया जाता है, बिल्कुल फ्रेशली ग्रो होता है और फ्रेश वहीं पे बनके होममेड स्टाइल में सर्व होता है। आप इस बिजनेस में क्यों आए और इसी के साथ साथ ग्रीन एंटरप्राइज की शुरुआत करना आपका कॉन्शियस डिसीजन था या फिर ये इवेंचुअली हुआ, जैसे बोलते हैं ना इट इवेंचुअली हैपेंड, और नहीं आपको हमेशा से था कि नहीं मुझे करना है सिर्फ? मैं इसके पहले जर्नलिस्ट थी, सो फॉर 8 इयर्स मैंने जर्नलिज्म में काम किया है। सो एनवायरनमेंट का जो इशू है मुझे लगा कि बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस पे जो लोग काम कर रहे थे वो उस वक्त जब मैंने शुरू किया था तब बहुत ही कम लोग काम कर रहे थे, और जो भी कर भी रहे थे वो एक्टिविज्म कर रहे थे या उस पर रिसर्च कर रहे थे, उस पर कोई एंटरप्राइज नहीं चला रहे थे। मुझे लगा कि मुझे इस डायरेक्शन में कुछ काम करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि शहरों में, मेट्रो सिटीज में ग्रीन एंटरप्राइज का जो स्कोप है, जो मार्केट है उसके लिए, डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और अगर ऐसा है तो क्यों? पैंडेमिक के बाद लोगों ने नेचर की वैल्यू को समझा है और काफी चेंजेस आए हैं इन देयर अवेयरनेस लेवल कि हमें एनवायरमेंट को बचा के रखना है, अदरवाइज हमारा खुद का सर्वाइवल मुश्किल है। आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस इन द मेट्रो areas and the big cities, and because of that there's lot of scope for green enterprises. कोई स्कूल या कॉलेज के पास आउट युवा अगर ये काम करना चाहे जो आप कर रही हैं, तो वो इसके लिए क्या स्किल्स सीख सकते हैं, क्या स्किल्स सीखना उनके लिए जरूरी होगा? आई थिंक स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप या कोई सोशल एंटरप्राइज शुरू करने के लिए जो सबसे बड़ा स्किल रिक्वायर्ड है वो है उस पर्सन का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट और पैशन। और मेरा अगला सवाल ये है, क्या क्लाइमेट चेंज वाकई रियालिटी है, इसको लेकर हमें क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ेंगी या परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है? इसमें तो आई थिंक कोई दो राय है ही नहीं कि रियलिटी ना हो, हम रोज इसको फेस कर रहे हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट ऑन अ डेली बेसिस, और मुझे लगता है कि चीजें गवर्नमेंट को भी करनी पड़ेंगी, इंडिविजुअल्स को भी करनी पड़ेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस को भी करनी पड़ेंगी। एज अ इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बिकॉज हम गवर्नमेंट को या दूसरे कंपनीज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, जो वो गांधी जी की सेइंग बी द चेंज यू वांट टू सी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर जो आज का एपिसोड है उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू सभी यंगस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो हमारा कचरा है उसमें कितना प्रतिशत आपको लगता है कि प्लास्टिक रहता है? सबसे ज्यादा प्लास्टिक ही है, हर चीज में प्लास्टिक ही है। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक बाकी कचड़े से अगर उसको कंपेयर करें तो प्लास्टिक ज्यादा नुकसानदेह है? जी, प्लास्टिक की चीजें जल्दी से खराब नहीं होती है, मतलब वो पड़ी रहेंगी जैसी तैसी। जी हाँ, मतलब खाद नहीं बनती, खाद नहीं बनती है, वो ऐसी पड़ी रह जाती है, उससे नुकसान होता है। गाय कुछ भी, कुत्ता बिल्ली कुछ भी खा लेगा, वो उसके पेट में फंस जाएगा। ऐसा दिल्ली शहर में सरकार की तरफ से कभी ऐसा कुछ इनिशिएटिव हुआ था कि नहीं प्लास्टिक कम करना है? हाँ, प्लास्टिक बैग कभी बंद हुए थे? हाँ जी, बंद हो गए थे, पर फिर से शुरू हो गया। अब तो बहुत कम है वैसे, ज्यादा नहीं है, कभी कभार कोई दिखता है। आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ आइडिया है क्या, किसकी वजह से हो रहा है? पहले था जैसे, उससे ज्यादा खराब है। जैसे अब बगैर मास्क के रहना है तो फिर थोड़ा सा उलझन होती है। जी हाँ, अब तो इस साल तो इससे सबसे ज्यादा ये पोल्यूशन हो रहा है, बिन मौसम बरसात। प्लास्टिक जो यहाँ पे कचरा कलेक्ट होता है इसका होता क्या है? प्लास्टिक अलग होता है, जो प्लास्टिक का कूड़ा है वो सूखा है और जो गीला कूड़ा है वो अलग डालते हैं। अच्छा, दो डस्टबिन वहाँ पे भी है बड़े वाले। अच्छा, जैसे ये दो डस्टबिन वैसे उधर है। और बच्चों को एक लाइन में कुछ सुझाव दे दें आजकल के, कूड़ा कम फैलाएं और साफ सफाई रखें। हम लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पर उन लोगों को भी करना चाहिए, आप लोग भी मदद करें। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। क्या तुम्हें याद है सौम्या, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था कि मैं अपने आसपास हो रहे क्लाइमेट चेंज के लिए रेडी हूँ और उसका इंतजार भी कर रही हूँ।
तो हमने डिसाइड किया है कि हम पता करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो कुछ ऐसा तो किया जा सकता है जिससे ये एटलीस्ट और ना बढ़े। फिर हमने पता लगाया कि क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे हो रहा है। बाद में पता चला कि हम तुम हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स ही है जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व है ना। बिल्कुल। और इसीलिए हम कुछ यंग ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स से मिले और क्लाइमेट चेंज वॉरियर्स से मिले जिनका अपने डेली लाइफ में क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काफ़ी योगदान है। अब सौम्या, हमने तो बात कर ली, अब ना मेरा सवाल ऑडियंस से है। जी हाँ, अब मेरा सवाल आपसे है कि आप क्या मदद कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। आप क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर कौन सा ऐसा टेक्निकल सॉल्यूशन इनोवेट करना चाहते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज पलट सके या फिर दिल्ली के करोड़ों लोगों की लाइफस्टाइल सस्टेनेबल बन सके, सोच के हमें बताइए। अब वक्त है हमारे सबसे एक्साइटिंग पार्ट का, पता है क्या? वो है क्विज क्वेश्चन। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए क्या मदद कर सकते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि डियर पार्क किन चीज़ों के लिए जाना जाता है। क्विज का आंसर करने के लिए www.mapofme.in पे लॉगिन करें और आंसर दें और पाएं मौका जीतने का सम एक्साइटिंग प्राइसेस। इसी के साथ साथ हमारा बिजनेस एंटरप्रेन्योर का 26 क्वेश्चन चैलेंज लें। और हाँ, अगर आपके पास ग्रीन बिजनेस या टेक बिजनेस रिलेटेड कोई आइडियाज़ हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए तो हमें लिख भेजें, क्या पता इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हम आपकी कुछ मदद कर पाएं। फिलहाल हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक्स पर बात करने के लिए और टॉपिक्स खोजने के लिए, ताकि आप जो है ना वो हमारे हर एपिसोड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सको। इसके साथ साथ जब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैप मी जो शो है उसके और भी एपिसोड्स आ गए हैं, तो आप देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो आज हमने मुद्दों पर बात की वैसे और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं और हम बात भी कर चुके हैं। तो टाइम मत वेस्ट कीजिए और जाइए और देखिए हमारे बाकी के एपिसोड्स। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, और अगर हमारी ये कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें।